शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये दोनों आवारा ना होते ना तो कब की शादी हो गई होती। अरे वो तो मेरे दोस्त ने हमसे वादा किया था कि उनकी बेटी हमारे घर की ही बहू बनेगी। अब चलो ठीक है, वो बड़े से ना हुई ना ये मजले से हुई, छोटे से तो शादी करवा दी। तो मेरे छोटे भाई की शादी कर दी और बड़े भाई को नहीं बुलाया, कैसे बाप हो तुम? और अकेले अकेले सारा दहेज भी समेट लिया। लाओ मेरा हिस्सा मुझे दे दो। कैसा दहेज और कैसा हिस्सा, तुझे शर्म नहीं आती? छोटे भाई की शादी में मेहमान बनकर आया है और दहेज का हिस्सा मांग रहे हो? नालायक कहीं का। अच्छा जी, हिस्सा तो बनता है क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और इससे हो गई। हिस्सा तो मैं लेकर जाऊंगा। अब क्यों खड़ा है और क्या चाहिए तुम्हें? दहेज में हिस्सा चाहिए था ना, ले लिए पैसे, चल निकल यहां से। तू क्या देख रहा है? देख रहा हूं कि अगर तुमने टांग नहीं अड़ाई होती तो आज ये मेरी बीवी होती। मेरी बीवी होती? अरे तू लायक होता तब ना। एक तू और ये मंजरा दोनों गुंडाई पे उतर गए थे ना, ये तो मेरे रहते हुए यहाँ हो नहीं सकता था। एक तो खुद का दोष है और दोषी मुझे ठहरा रहा है। अरे ये तो अच्छा है कि हमारी पंडिताई की वजह से समाज में हमारे घर की इज्जत है, वरना ये और ये दोनों ने तो अपने घर की नाक कटवा दी होती। चल जाए यहाँ से। माहौल खराब करके रख दिया पूरा। अब जाने दीजिए ना, हमारे दो बेटे ना सही, हमारा राजेश बेटा तो है ना, आज उसकी वजह से इतनी बड़ी खुशी आई है हमारे घर में, बहुत खुशी का माहौल है। चलो ठीक है। जब छोटा था तो आंगन में सोते वक्त रात को चांद को देखकर अक्सर बातें किया करता था, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि एक दिन चांद हमारे यहां। अरे आकृति देख के संभाल के। अच्छा वो तुम गाड़ी नहीं चला रही थी, नहीं तो सीधा मुझे ठुक के निकल जाती। वैसे अजीब है ना, कहाँ तुम मेरे बड़े भाई की पत्नी बनने वाली थी, फिर मेरी, और आखिरी में देखो किसकी बनी, राजेश की, और हम बन के रह गए तुम्हारे जेठ जी। चलो किस्मत के आगे किसकी चलती है, हम भी कुछ और चाहते थे, थोड़ा अपने छोटे भाई को भी सिखाइए। ओ मैडम ऐसे नहीं बनती है बॉडी, जिम जाना पड़ता है, डंबल्स उठाने पड़ते हैं, रोज सैकड़ों किलो वजन उठाना पड़ता है तब बनती है बॉडी। आपके पति से ना हो पाएगा ये। हाँ क्या, हमें यकीन नहीं है। अच्छा अरे अरे और दिखाओ ताकत, छोड़ी छोड़ी, और दिखाओ और दिखो ताकत, नहीं भी मार पड़े। ये लीजिए जेठ जी। ये क्या दूध? दूध नहीं पीता मैं। अरे दूध में ताकत होती है और आपको ताकत की सब जरूरत है। पता है कल आपने मुझे उठाया था ना, मैं तो बहुत डर गई थी। मैं गिर जाती तो? मैं गिरने नहीं देता। संभाल के दिखाओ। तो तुम गिर के दिखाओ। ओ बहाने बाजी। अरे
सुरेश भैया। अरे ये क्या कर रहे हो आप, छोड़िए छोड़िए मुझे जेठ जी, ये क्या करते रहते हो मेरे साथ? देखिए ना, ये मुझे किसी न किसी बहाने से छूते रहते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं ये। देखो भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और आकृति के जेठ भी, आपको ये सब शोभा नहीं देता। चलो आकृति, चलो चलो यहाँ से। राजेश, राजेश मेरी बात सुन, राजेश आगे से नहीं होगा। राजेश अच्छा सुनो, मेरा बड़ा भाई सुरेश तुम्हारे साथ कोई ज्यादा बदतमीजी तो नहीं करता? ओहो, आपके दिमाग में अभी तक वही बात घूम रही है कि आप मुझ पे शक तो नहीं करते हो ना? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस जानना चाहता हूँ ताकि अगर वो कुछ बदतमीजी करे तो मैं उसे समझा सकूँ ताकि कल को बात बढ़े ना। अगर ऐसी कोई भी बात रहेगी ना तो मैं आपको बता दूंगी, और आपको कुछ ऐसी बात पता चले ना तो आप उनको समझा देना, और बाकी तो मुझे मेरी लिमिट्स पता है। Okay. बस मैं एक ही इंसान के लिए अनलिमिटेड हूँ, वो आप। अरे माँ और बाबूजी ना बाजार गए हुए थे तो मैं अकेली बोर हो रही थी तो आ गई मैं आपके पास। क्या हुआ? लगता है कल रात की बात से नाराज हो आप मुझसे। आप तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि खूबसूरत लड़कियों के लिए मार भी खाओगे, और अभी एक डांट में ही शांत पड़ गए। क्या क्या मतलब? इसे देवर भाभी का मजाक तो चलता रहता है। तेवर नहीं हूं मैं तुम्हारा। अरे अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए हमने आपको छोटा समझ लिया, और मैं भी आपको देवर समझूंगी। आखिर मुझे भी तो देवर भाभी का रिश्ता चाहिए ना, और वैसे भी जेठ का रिश्ता तो आप दोनों के बड़े भाई दिनेश के साथ है ही ना मेरा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना तो मुझे मेरी इज्जत बचाने के लिए आपका नाम देना पड़ेगा। प्लीज बुरा मत मानिएगा, और आप जो चाहो मजाक मस्ती कर सकते हो मेरे साथ देवर भाभी वाला। और अगर पकड़े गए ना तो मैं हमेशा यही बोलूंगी कि आप हमेशा मुझे टच करने की कोशिश करते थे किसी न किसी बहाने। क्या सोच रहे हो आप इतना? और जरा सोचिए, राजेश से पहले तो मेरी आपसे शादी की बात चली थी ना, अगर हो गई होती हम दोनों अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते? अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें दिखाता हूं अपने मस्ते। नहीं कोई काम नहीं है, बस मैं पूछ रहा था कि सासू माँ कहाँ है। तो माँ जी तो बाहर कुछ काम के लिए गई है, आ जाएंगी जल्दी। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो। जी बाबूजी। उतारने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। मैं क्यों उतार दूँ? खुद ही उतारो। अरे मैं उतार सकती थी तो आपको थोड़ी ना बोलती। ये बात है तो हाँ।
अरे सॉरी जेठ जी, आप तो मेरा डब्बा उतारने में हेल्प कर रहे थे, मेरे हाथ से डब्बा ही स्लिप हो गया। सुरेश तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बाबूजी, मैं पानी पीने आया था, ये आकृति कहने लगी वो मसाले का डब्बा उतारवा दो, तो मैं बस वही हेल्प करने लगा। आकृति जब नहीं उतार पाती तो डब्बा नीचे रखो। क्यों बाबूजी? जी मैं चलता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सुरेश तो आवारा है, कहीं वो बहू से कुछ गलत ना कर बैठे। सुरेश को वापस जल्दी उसके घर जाने को कहना होगा। ये आधी रात को कहाँ जा रहा है? मैं आ रहा हूं। कहाँ गया ये? लगता है शायद अपने कमरे में चला गया। चलो ठीक है। अरे जेठ जी आप यहाँ पे? वो क्या है ना कि राजेश वो तो नाइट ड्यूटी पे गया है और तुम भी यहाँ नहीं हो, तो मैंने सोचा अगर तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो तो। अच्छा हुआ जेठ जी, आप बहुत डर लगता है रात को। अकेली कहाँ हो तुम? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे आप तो थोड़ी देर ही रहोगे ना मेरे साथ, मुझे तो आधी रात के बाद डर लगता है। मैं तुम्हारे साथ पूरी रात रहूंगा। हाँ, बट 4 बजे मुझे फिर से जाना है, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तब तक मैं सो जाता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं नहीं नाश्ता नहीं, तुम मेरे लिए एक ग्लास दूध लेके आओ। कहीं राजेश तो नहीं आ गया? क्या हुआ सुरेश, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो आकृति को नाश्ते के लिए बुलाने आया था। क्यों नाश्ते के लिए? माँ से नहीं कर सकता था? अरे राजेश नाइट ड्यूटी करके आया है, तो बहू उसकी देखभाल करे या तुम्हारी सेवा? अजी क्या ऐसे आवारा बोलते रहते हो आप? हाँ घर में नई नई बहू आई है, आप उसे आवारा कहोगे तो वो भी कहने लगेगी। चल बेटा मैं तुझे नाश्ता देती हूँ, आ जाओ। नहीं करना नाश्ता, आप करो नाश्ता और इन्हें कराओ। नहीं करना तो रहने दो। देख रहा है इसके तेवर, बड़ी तरफदारी करती हो ना इसकी, ये आवारा है आवारा ही रहेगा, कभी नहीं सुधरेगा ये। क्या हुआ अकेले क्यों बैठे? मेरे मन में चुभन सी होती है। अब तहन तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि समाज ने उनका और मेरा रिश्ता ऐसा बनाया है कि हमें दिन रात साथ में ही रहना है। आकृति रिश्ते बदल भी सकते हैं ना। हाँ रिश्ते टूट भी सकते हैं। तुम कुछ भी ऐसा करो या मुझसे कहो कि मैं ऐसा कुछ करूं इससे मैं जब चाहूं अपनी आकृति से मिल सकूं। इतना चाहने लगी हो मुझे? खुद से भी ज्यादा। तो फिर एक रास्ता है, अगर तुम कर सकते हो तो। मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, तुम बस बोलो। तो तुम्हें इतना करना है, कैसे भी करके ये तुम्हारे छोटे भाई राजेश को पिला देनी है। इसका असर 2-3 घंटे बाद इंसानों पे चढ़ता है। जब राजेश ऑफिस से लंच के लिए घर पर आएंगे तब उन पर पूरी तरीके से नशा चढ़ जाएगा और नशे की हाल में बाइक का एक्सीडेंट हो जाएगा और एक्सीडेंट में मर जाएंगे, तो उसमें आपका नाम भी नहीं आएगा और हमारे मिलने का रास्ता साफ।
दिया। ऑफिस की पूरी तैयारी हो गई? हाँ, सही फाइल्स मैंने रख लिए हैं और जरूरी कागज भी, और भूलने जैसी कोई बात भी नहीं है। बाकी रह गई तो टिफिन, वो कहाँ है? आज तो मैं आपको टिफिन नहीं देने वाली। क्यों? हमारी नई नई शादी हुई है। जब लोगों की नई नई शादी होती है तो 15 डेज की छुट्टी लेके घूमने जाते हैं। मेरे लिए ऑफिस के लंच ब्रेक में 15 मिनट के लिए घर भी नहीं आ सकते। मैं आपकी नई नवेली दुल्हन हूँ। अच्छा, तो अब मुझे लंच के साथ साथ मीठा भी मिलेगा। जी जरूर। तब तो जरूर आऊंगा। हाँ हाँ भाई, जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। ये क्या है? अरे, अब दिन भर ऑफिस में रहेगा, काम करेगा, लंच टाइम में घर भी आएगा, अरे थक नहीं जाएगा? हे, मेरी जिम में नया प्रोटीन शेक आया, एक ग्लास पिएगा दिन भर फुर्ती रहेगी। पीना? मुझे इन चीजों का शौक ही नहीं है। अरे जेठ जी, इतने प्यार से आपके लिए लेके आए हैं तो पी लीजिए ना। अभी आज आपको अच्छा नहीं लगा तो कल मत पीना, है ना? हाँ, यही तो मैं भी कह रहा था। अरे एक ग्लास में कुछ नहीं होता, पी जा। चलो ठीक है, जब आकृति इतने प्यार से कह रही है तो पीता हूँ। अरे ये हुई ना बात। ओके बाय आकृति, दोपहर मिलते हैं लंच टाइम पे। जी, ध्यान रखिएगा अपना। आकृति, अभी तक कोई खबर नहीं है। आई थिंक राजेश का लंच टाइम हो गया होगा। ये तुम्हारी दवा, ये असर तो करेगी ना? अरे क्यों नहीं करेगी, थोड़ा सबर करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश का लंच टाइम हो गया और वो काम के चक्कर में घर ना रहा हो? अगर कहीं ऐसा हुआ ना तो हम जो सोच कर बैठे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे अगर ऐसा हुआ भी होगा ना तो क्या होगा, ऑफिस में शाम तक बेहोश पड़ा रहेगा, और मैं ऐसा तो होने नहीं दूंगी, क्योंकि बीबी के जिद के आगे बड़े बड़े भी अपना काम छोड़कर आते हैं, और इसे भी आना पड़ेगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ, तुम्हें क्या, तुम्हें तो मेरी और मेरी प्यार की फिक्र ही नहीं है। लंच टाइम हो गया और अभी तक तुम आए ही नहीं। अरे बाबा, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। तो क्या तुम आज नहीं आ रहे हो? देखो, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें तो आज कैसे भी आना ही होगा घर पे। यस माय डार्लिंग, बस निकल चुका हूँ मैं, बाइक पे हूँ, समझो बस पहुँच ही गया। मतलब तुम निकल चुके हो? थैंक यू सो मच। यस माय डार्लिंग, मैं निकल चुका हूँ, समझो बस पहुँच ही गया। सावित्री, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहू को जैसा हम सोच रहे हैं बहू वैसी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जवान बेटे की
मौत ने आपको पागल बना दिया। यहाँ सब शोक मना रहे हैं और आपके दिमाग में पता नहीं बहू के बारे में क्या घूम रहा है। अरे कुछ तो सोचिए, उस बेचारी ने अपना पति खोया है और आप है कि उसी पर उंगली उठा रहे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सावित्री, बताऊंगा भी तो तुम यकीन नहीं करोगी। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे बहू को ही रंगे हाथों पकड़ना होगा। बहू मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर आना। जी बाबूजी। सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो? बाबूजी वो प्यास लगी थी, वो कमरे में पानी था नहीं, सोचा रात में किसको पूछूं, सोचा खुद ही ले लूं। लगता है तुमने अपने कमरे में ध्यान से नहीं देखा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे कमरे में पानी का जग रखा है और गिलास भी रखा है। जा जाकर पी ले। और सुन, पानी पीने के बाद वो पिछवाड़े वार का तार जो टूट गया ना, उसे बांध लेना। जा। दो घंटे से मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे वो मेरा बुढ़ा बाप है ना, मैं जब भी तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे की तरफ आता हूँ ना, किसी न किसी बहाने बुला ही लेता है। मुझे भी ऐसे वक्त पर बुला लेते हैं, ये उनको हम पर शक तो नहीं है ना। बुढ़े की खुद की उम्र तो निकल गई, अब जब मेरी ऐश करने की बारी आई तो अगर ऐसे ही रहना तो एक दिन देख लेना वो मेरे गुस्से से बच नहीं पाएगा। अरे अरे आराम से, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि बाद में जाके हमें प्रॉब्लम हो। हर प्रॉब्लम का सलूशन बड़ी शांति से हो सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ अब उनके डर से मिलेंगे नहीं? मतलब? अरे मिलेंगे क्यों नहीं, हमारी हर प्रॉब्लम का सलूशन ये पुड़िया है, इसे तुम बाबूजी को पिला देना और जब बाबूजी नीचे आएंगे तब तक उन्हें इसका नशा चढ़ जाएगा और वो नशे की हालत में सीढ़ियों से गिर जाएंगे। लोग समझेंगे कि बूढ़े हो गए थे, सीढ़ी से फिसल कर गिर के मर गए। उनकी हत्या का इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा और हमारा रास्ता साफ। अरे बहू नाश्ता तैयार हो गया क्या बेटा? अरे सावित्री नाश्ता रहने दो, मैं जाकर आता हूँ, बाद में नाश्ता कर लूंगा। अजी कहाँ जा रहे सवेरे सवेरे आप? लो कर लो बात, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं पहली बार कहीं जा रहा हूँ। बंगलो के टेरेस पे जा रहा हूँ, टहल के आता हूँ और क्या। कल आपको मैंने मना किया था ना टेरेस पर जाने के लिए। आपके घुटनों में तकलीफ है ना, दर्द होता है ना, कल डॉक्टर ने भी आपको मना किया है ना सीढ़ियाँ ऊपर नीचे उतरने से। अरे भाई डॉक्टर तो कहता रहता है मेरे घुटनों में कोई दर्द नहीं है। पापा टेरेस पर वॉक करने जा रहे हैं, यही मौका है, उन्हें पिला दो पूरिया और अपना रास्ता साफ कर लो। चलिए आप लॉन में चलिए, वहीं टहल लेना, मुझे पेड़ों को पानी भी देना है। अरे भाई जिद मत किया करो, जहाँ कराता हूँ बोला ना मैंने। लगता है ये बुढ़िया आज का प्लान बिगाड़ेगी। प्लान नहीं बिगड़ना चाहिए, जाओ जाके संभालो, लो जाओ। अरे माँ बाहर क्यों जाएंगे टहलने, घर में इतना बड़ा टेरेस है ना। बाबूजी सही जगह पर जाते हैं लेकिन आपने उन्हें रोक टोक कर ये कमजोर बना देते, क्यों बाबूजी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पर बेटा इनके घुटनों का दर्द। अरे घुटनों का दर्द नहीं है मेरे। हाँ तुम जो नहीं है बस वही बोला करती हो। अभी नहीं हो रहा है लेकिन रात को तो होता है ना, एक घंटा आप मालिश करवाते हैं तब जाके आप सोते हैं। माँ 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 रात में ठंडक बढ़ जाती है इसलिए दर्द होता है, टहलने दो ना सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। देखो सावित्री इस घर में सारे लोग समझदार हैं, एक तुम्हारे सिवा। आप बाप बेटे का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं चलिए अपना काम कर रही हूँ। बात तो सुनो। अरे आप नहीं जाने तो ये लीजिए दूध पीजिए। अब दूध? अरे दूध पियेंगे तो घुटनों का दर्द जो है। अब कहाँ से घुटनों का दर्द आ गया बाबूजी, डॉक्टर ने क्या कहा था?
ये आपको कैल्शियम की कमी है, दूध पीने से ठीक हो जाएगी। पीजिए, पूरा पीजिए। कर भी है ना, परेशान करके रखते हैं, बस इतना बस है। अरे बाबूजी, अरे पूरा पूरा पीजिए। अरे लो, पूरा कर दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू। अच्छा तुम लोग जाकर। हाँ हाँ ठीक है। देर हो गई, ये बाबूजी पे दवा असर कर भी रही कि नहीं? आराम से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अब हमारा प्लान खाली नहीं जाएगा, देख लेना। क्या खाली नहीं जाएगा? अरे अब तक कुछ नहीं हुआ। आराम से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। अरे तो इतनी देर हो गई, कुछ तो होना चाहिए था ना। क्या हुआ सुरेश के बाबूजी, क्या हो गया? बेटा ये क्या हो गया? पहले राजेश हमें छोड़कर चले गए, अब ये। हाँ जी, संभालिए खुद को, इस तरह से टूट जाओगे तो हमारा क्या होगा? माँ, संभालो खुद को। माँ जी, संभालिए खुद को। आकृति, माँ को लेके जाओ। चलिए माँ जी। क्या बाबूजी? अरे इसने ही तो सीखना था कहाँ क्या करना है, क्या बोलना है, है? अरे इतना सीख लेते तो आज जिंदा होते ना। पर नहीं, चलो कोई नहीं, जहां हो खुश रहो। अरे सुरेश बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? माई, अपने राजेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, मैं बस वही आकृति को देने जा रहा था। सुमित्रा, तुम खुद ही सोचो, आखिर एक औरत बार बार क्यों किसी पराए मर्द को माफ करेगी? या अगर पता चलेगा कि वो ऐसा है तो वो क्यों उसके आसपास भटकेगी? जबकि बहू तो बहू को जैसा हम सोच रहे हैं, बहू वैसी नहीं है। क्या इनका शक सही तो नहीं था? ये आवाज कैसी आई? सुरेश छोड़िए, जेठ जी मुझे छोड़िए। माँ जी देखिए ना, जेठ जी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने इन्हें कितना समझाया, मेरे पति मर गए तो क्या हुआ? मैं उनके यादों के सहारे अपना पूरा जीवन बिता दूंगी, पर ये समझते ही नहीं है, जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? खबरदार जो दोबारा बहू के आसपास भी दिखा तो, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझा?
आकृति, आकृति जी, आकृति, हम जितना रास्ता साफ करते जा रहे हैं ना, हमारे मिलने में उतनी मुश्किल आती जा रही है। ये क्या कर रहे हो? अभी रात को ही माजी ने आपको डांटा था ना, फिर भी आप मेरे पीछे पीछे आ गए। समाज में अपने परिवार के खातिर मैं चुप हूँ, वरना मैं भी शोर मचा सकती हूँ। मचाओ बहू, शोर मचाओ, ताकि लोगों को भी पता चले कि हमारे परिवार में ये सिर्फ आवारा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पापी है, जो अपने छोटे भाई की बहू के साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अरे तू मर क्यों नहीं जाता? कहीं जाके और जगह मुंह काला क्यों नहीं कर लेता अपना? देख सुरेश, कल रात को भी तुझे मैंने समझाया था, दूर रह बहू से। अरे बहू, तुम सोने नहीं गई अभी तक? जी माँ जी, जा रही हूँ, वो टेरिस पर कपड़े सुखाने रखे थे, सूख गए होंगे, सोचा लेके आती हूँ। ये सुरेश दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है? खाने के बाद बाहर गए थे, शायद टहल रहे होंगे। इसके बाबूजी सही कहते थे, एक नंबर का आवारा लड़का है, उसे कोई ना कोई बहाना चाहिए बाहर जाने के लिए। तू जा बेटा, जल्दी से कपड़े लेके आ जा, वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गई है। जी माँ जी। ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अरे मैं तो आ ही रही थी, सासू माँ ने मुझे बीच में रोक लिया और कहने लगी मेरा सर दबा दो। अब तुम ही बताओ, उनका सर दबाने लगती तो मुझे 2 घंटे लगते हैं, और 2 घंटे बाद वो मुझे छोड़ भी देती तो इसका क्या भरोसा कि वो मेरे कमरे में ना आए? ओहो यार, ये जब भी नजदीक आने की कोशिश करते हैं ना, तो ये एक के बाद ये प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। अरे तुम चाहो ना तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। मैं तो कब से चाहता हूँ कि हमारे बीच ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो सुनो मेरी बात, ये बुढ़िया मम्मी जी के तू पर मिला दो, और वो सुबह 8 बजे से पहले तो नहीं उठने वाली, कंप्लीटली बेहोश, हम दोनों प्यार में मदहोश। तो एक काम करो ना, तुम्हें पिला दो ना। अरे मैं पिलाऊंगी तो उनको शक हो जाएगा। ठीक है लाओ, मैं पिला के आता हूँ। अरे अरे अभी नहीं, अभी मैं माँ जी के रूम पे सर दबाऊंगी उनके, उनके बाद जब मैं बाहर आऊंगी तो तुम्हें एक सहारा करूंगी, फिर तुम जाना। बाकी का तुम्हारे पास रखो, कल भी हमें काम आएगा, अब तो हमारी हर रात रंगीन। पता नहीं क्या पाप किया था जो दो दो ऐसी नालायक औलादों से पाला पड़ा। आज अगर इनके बाबूजी जिंदा होते तो। सासू माँ मुझे बचा लो सासू माँ। क्या हुआ? आज रात को जेठ जी आपको नींद की दवा का दूध पिला के सुलाने वाले हैं, और वो मेरे कमरे में आएंगे, उसके बाद प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। तुम्हें कैसे पता ये सब? वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे और मैंने सुन लिया। इतना गिर चुका है सुरेश? अच्छा हुआ बेटा जो तुमने मुझे बता दिया। तुम फिकर मत करो, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दूध देने दो मुझे, मैं दूध नहीं पीऊंगी। हाँ तू जा अपने रूम में जाके आराम कर। ठीक है माँ जी। तू जा। Thank you.
ये मैं स्पेशल अपनी माँ के लिए बना कर लाया हूँ, लीजिए ना। पता है, वैसे तो तू कभी दूध बनाता नहीं है, आज बनाया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। आप दूध पी लीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। अरे वो माँ, वो बात पूछनी थी। क्या पूछना था, भूल गया। कोई कोई बात नहीं, मैं कल पूछ लूंगा। ठीक है। आप आराम करो। ठीक है बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। भले ही तू कल का पूछ निकली कहकर गया है, लेकिन मैं आज ही आ रही हूं तुझे जवाब देने। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम्हें प्यार, और अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, तो तुम भी मत रुको। छोड़िए मुझे। सासू माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना क्या कर रहे थे मेरे साथ। सुरेश, ये क्या बदतमीजी है? हाँ माँ, चिल्ला मत, उम्र हो गई है तेरी। जा और अपने कमरे में आराम कर, जा। आराम तो तू करेगा, वो भी सरकारी कमरे में। चल। ये तूने ठीक नहीं किया माँ, ठीक नहीं किया। अबे चुप। माँ ने नहीं, बहू ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की थी, उसी ने बुलाया है। आकृति ने? इंस्पेक्टर साहब, एक बार बस आप मेरी बात मेरी माँ से करा दीजिए, प्लीज। एक बार कुछ गलतफहमी हुई, मैं क्लियर कर सकता हूँ, प्लीज। अबे चुप। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, मेरी बात यकीन कीजिए, बस बस एक बार, एक मौका दीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, बुलाता हूँ। थैंक यू। क्या तुमने ये सब बहू के कहने पर किया? हाँ माँ, ये सब मैंने उसके ही कहने पर किया। उसके कहने पर मैंने राजेश के दूध में वो दवा मिलाई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बाबूजी के भी दूध में मैंने ही वो दवा मिलाई थी और वो सीढ़ियों से गिरकर मर गए। माँ, आपके भी दूध में उसने ही कहा था वो दवा मिलाने के लिए, और उसके बाद उसने अपने कमरे में बुलाया था मुझे। मेरी बात से यकीन करो माँ, मैंने सब कुछ उसके ही कहने पर किया। माँ सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, इस आवारा और झूठे बेटे को, इसलिए मैं इसे मिलने के लिए मना कर रही थी आपको, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। माँ मैंने कुछ नहीं किया। माँ, माँ एक बार मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। बहू, मैं कानपुर जा रही हूं अपने पति की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने। इन नालायक औलादों के भरोसे कब तक ये अस्थियां घर में रखी रहेगी? माँ जी, इन सब बात को याद करके दुखी मत होइए। ना चाहते हुए भी याद आ जाती है बेटा। मेरे बड़े बेटे दिनेश को देखो ना, वो राजेश के वक्त आया और ना ही अपने पापा के वक्त आया। उसके पैदा होने से लेके अब तक मैं उन्हें दिनेश के पापा कहकर पुकारती थी, लेकिन दिनेश को देखो, इनके अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। ऐसी औलाद होने के बाद जिनकी औलादें नहीं होती है ना बेटा, वो हमसे ज्यादा सुखी होते हैं। ऐसा मत कहिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ बहू, 4-5 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है माँ जी, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ती हूँ, चलिए। नहीं बहू, टैक्सी बुला ली है मैंने, मैं चली जाऊंगी। ठीक है माँ जी, ध्यान से जाइए। हाँ बेटा।
हेलो। माँ जी 3-4 दिनों के लिए कानपुर गई है, अब हमें छुप छुप कर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात को आ जाना, अब तो हमारा ही राज है और हमारा ही रहेगा। आ गई तुम? आ गया। दिनेश, तुम्हारे साथ? मैं और दिनेश एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? हाँ माँ, इस घर में सबसे पहले आकृति से मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन मुझसे कैंसिल होके और सुरेश से तय कर दी गई। तभी हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, सुरेश की आवारगी के बाद पापा तक पहुंचाई। फिर हमने सोचा कि हमारी शादी हो जाएगी, पर तभी मेरे पापा ने मेरी शादी राजेश से तय करा दी। और राजेश में तो कोई कमी नहीं थी माँ, और फिर इसको मजबूरी में राजेश से शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी की रात मैं इससे मिला और हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना घर के सभी लोगों को एक एक करके मार दिया जाए, और फिर सुधरने के बहाने घर में वापस आया जाए और फिर आकृति से शादी की जाए। फिर इस घर की ही नहीं, मेरे मायके की भी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम हो जाती, क्योंकि मैं भी तो अपने पापा की इकलौती बेटी हूं। और फिर हम दोनों ने वैसा ही किया। पहले तो मैंने राजेश को एक्सीडेंट में मार दिया, बाबूजी को सीढ़ियों से धक्का देकर मार दिया, और इन सब में सुरेश को फंसाकर जेल करवा दी। 2 मिनट भी नहीं है आपके पास। आप दोनों ने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, पर एक छोटी सी गलती की वजह से हमें सुरेश पे आज यकीन करना पड़ा। छोटी सी गलती? तुम्हारे ससुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताया गया था, घुटनों के दर्द की वजह से या पैर फिसलने की वजह से या और किसी भी वजह से अपने आप गिरने वाले इंसान का सर पीछे की ओर लगता है, वो आगे की ओर नहीं गिर सकता। आगे की ओर कोई भी इंसान तभी गिरता है जब कोई पीछे से उसे धक्का देता है, और मैं तभी समझ गया कि वो गिरे नहीं, गिराए गए थे। और तभी इन्होंने मुझे अलर्ट कर दिया था।